बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तस्कीरों तामीज़ के मामलात और उसूल पेश कर रहे हैं। ये पेशकश है आसिया परवीन की और आवाज़ है वारिस इकबाल की। किसी ज़बान को सीखने का मकसद ये है कि हम अपनी बात और ज़बान में सही सही अदा कर सकें। रोज़मर्रा बोलचाल में तस्कीरों तामीज़ की अगलात लाइलमी का बाइस होती हैं और मुताला और मश्क से हम आसानी इन अगलात पर काबू पा सकते हैं। कुछ अल्फाज गलत उलाम होते हैं, यानी आम इस्तेमाल में इतने हो जाते हैं कि हम उन्हें दुरुस्त समझना शुरू कर देते हैं। इन अल्फाज की इस्लाह ज़रूरी होती है। जैसे दर्द होता है, दर्द होती है, गलत है। आम तौर पर हम फिकरात में कुछ लफ्ज़ गलत इस्तेमाल करते हैं जो तस्कीर तानीज़ की वजह की गलती की वजह से होते हैं। तो आइए हम तफसीर से जानते हैं कि तस्कीर तानीज़ के कुछ उसूल होते हैं जिनको जहन नशीन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला उसूल ये है, इसमें मुकब्बर और इसमें तस्वीर का, जितने भी इसमें मुकब्बर होते हैं वो मुज़क्कर होते हैं, जैसे टोकरा, संदूकचा, हथौड़ा, पहाड़। और जितने भी इसमें तस्वीर होते हैं वो सारे मुअन्नस होते हैं, जैसे टोकरी, संदूकची, हथौड़ी, पहाड़ी वगैरह वगैरह। इसी तरह जिन अल्फाज के आखिर में छोटी ये आए वो मोनस बोले जाते हैं, जैसे टोपी, मूली, रोटी, सीढ़ी वगैरह। लेकिन इसमें कुछ अल्फाज शामिल नहीं हैं, जैसे कि पानी, दही। पानी भी मुज़क्कर होता है और दही भी मुज़क्कर होता है। जिन अल्फाज के आखिर में हे, गोल हे आए वो मोनस बोले जाते हैं, जैसे राह, निगाह, तनख्वाह, दरगाह, खानका, लगने को। ये सारे बाज अल्फाज इसमें ऐसे हैं कि जो मुज़क्कर नज़र आते हैं लेकिन ये मुअन्नस हैं। तमाम ज़बानों के अल्फाज मुअन्नस होते हैं, जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेज़ी वगैरह वगैरह। तमाम नमाजों के नाम भी मुअन्नस होते हैं, फजर, ज़ुहर, असर, मग़रिब, इशा वगैरह वगैरह। तमाम मुल्कों के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे पाकिस्तान, मिस्र, इंग्लिस्तान, अमेरिका, फ्रांस वगैरह वगैरह। और तमाम पहाड़ों के नाम भी मुज़क्कर होते हैं, जैसे कोहे हिमालिया, कोहे हिंदुकुश, कोहे सलेमान, कोहे मरी वगैरह वगैरह। और तमाम सैयारों के नाम भी मुज़क्कर होते हैं, चाँद, मरीख, मुश्तरी वगैरह वगैरह। लेकिन ज़मीन मुअन्नस बोली जाती है, यानी ज़मीन का जो लफ्ज़ है उसके लिए हम मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, तानीस इस्तेमाल करेंगे। तमाम धातों और पत्थरों के नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे सोना, लोहा, ज़मर्द, याकूत, हीरा वगैरह वगैरह। अलबत्ता चांदी मुअन्नस है। इसी तरह से तमाम औकात के नाम मुज़क्कर हैं, सेकंड, मिनट, घंटा, महीना, साल। सेकंड, मिनट, घंटा, महीना, साल। लेकिन सुबह, दोपहर, शाम और रात मुअन्नस होंगे। तमाम महीनों और दिनों के नाम मुज़क्कर होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुमा, हफ्ता वगैरह वगैरह। मगर जुमेरात मुअन्नस हैं। अखबारों और रिसालों के तमाम नाम मुज़क्कर होते हैं, जैसे नवाए वक्त, अखबार जहां, अदब लतीफ़, नकूश वगैरह वगैरह। तस्कीर व तानीस के हवाले से कुछ गलत जुमले हैं और कुछ दुरुस्त हैं। अपनी दही को खट्टा कौन कहता है, अपने दही को खट्टा कौन कहता है, ये दोस्त सुन रहा होगा। गुलाब का कलम लगाते हुए मेरी कलम गिर पड़ी, ये गलत जुमला है। गुलाब की कलम लगाते हुए मेरा कलम गिर पड़ा। मेरा साइकिल बिल्कुल नया है, ये गलत जुमला है। मेरी साइकिल बिल्कुल नई है। बच्चे ने कमरे में झाड़ू दिया, ये गलत जुमला है। बच्चे ने कमरे में झाड़ू दी, बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हो गया है। बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हो गई, ये दुरुस्त जुमला है। उम्मीद है कि
ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी मुफीद होगी तसहीर व तानीस के हवाले से, और इन अल्फाज को जब भी आप इस्तेमाल करें तो इस वीडियो में दिए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए, और इस तरह से आपकी इबारत में गलतियाँ कम से कम होंगी। आपका बहुत शुक्रिया।